गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैंने आपसे फर्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे ना आप लाइक शेयर या कमेंट जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना। उससे होता क्या है कि YouTube ना वीडियो को बूस्ट अप कर देता है और मैं चाहता हूँ इंटेंशनली कि ये वाली जो मेरी वीडियो है ना ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। उसका रीजन ये है कि ये जो जितने नेगेटिव कंपेन्स चलाने वाले लगे हुए ना YouTube में, बहुत सारे अब धीरे 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 बढ़ते, अरे ड्रॉप कर गया, अरे ये हो गया, इतना ज्यादा नेगेटिव करते हैं उनको मेरे को अपना एक मैं लॉजिकल प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली वीकडे में पिक्चर कैसे परफॉर्म करती है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, उसकी कलेक्शंस कैसे कंपेयर होती है। और जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि कलेक्शन ड्रॉप हो गई, जवान फ्लॉप हो गई, उसका जवाब उन सबको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो आप प्लीज लाइक और कमेंट जरूर 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 करना। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे बात। यार स्टार्ट हो गई, ये लोग स्टार्ट हो गए अपना, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और फटाफट स्टार्ट हो गए। हल्की सी ड्रॉप आ जाए ना 1-2 करोड़ का भी स्टार्ट हो गए। चलो जी ड्रॉप हो गए। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी ऑक्यूपेंसी की बात करी थी, बट आज मैं थोड़ा सा उसको और डिटेल में बताता हूं। मैं यहां पे कंपैरिजन करूंगा जवान मूवी का केजीएफ मूवी के साथ। मैं पर्पसली गदर 2 और पठान के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि गदर 2 और पठान दोनों ही ना एक्सटेंडेड मतलब वीकेंड में चली थी। थर्सडे किसी का मंडे ट्यूसडे नेशनल हॉलीडे पड़ रहा था, किसी का फर्स्ट 3 डेज में नेशनल हॉलीडे पड़ रहा था, तो उसको मैंने जान के भी साइड रखा है। अभी सिर्फ करेंगे केजीएफ और जवान से शुरुआत। देखो यार मैं आपको सारा डेटा मेरे पास पड़ा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें सबसे पहले तो यार ये जो कह रहे हैं ना कि मंडे की कलेक्शन ना संडे से कंपेयर होती है, अगर संडे 70 आ गई ना, देखो मंडे कितनी आ गई, मंडे ना कम हो गई कलेक्शन, ठीक है? ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है गाइस, ऐसे नहीं होता है कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं, कंपैरिजन हमेशा होता है फ्राइडे से, फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी के साथ मंडे को देखा जाता है, बिकॉज दोनों ही वर्किंग डे होते हैं, और फ्राइडे से की जो भी कलेक्शन होती है और मोर इंपॉर्टेंटली ऑक्यूपेंसी होती है, अगर उससे 45% and above का जो ड्रॉप आता है ना, दैट इज कॉल्ड कि पिक्चर ड्रॉप कर गई, पिक्चर गिर गई, ठीक है? अगर ये 20-40 जाता है ना, 20-40 इसको बढ़िया बोलते हैं, 20 जा रहा था उसको तो फिर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मतलब तरीके से लोग देख रहे हैं, जो हार्डली बहुत ही कम पिक्चरों में होता है। बट ज्यादातर पिक्चरें जो है वो फ्लोट करती हैं 25-35 बहुत मैक्सिमम पिक्चरें जाती हैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्स होने के बावजूद भी। अब अगर हम जवान की बात करें, देखो जवान की फ्राइडे की कलेक्शन कितनी थी, हिंदी की बात कर रहा हूं सारा मैं, 46.23 करोड़, ठीक है? मंडे की कलेक्शन कितनी थी, 30.5 करोड़। अब मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं तो ड्रॉप कितने परसेंट का आया, 34% का ड्रॉप आया फ्राइडे और मंडे में। मंडे वर्किंग डे भी था, मंडे मैच भी था, चलो ये सब चीजें मैच वैच की अभी साइड रखते हैं, ऑल्दो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था बट थोड़ी देर के लिए इसको साइड रखते हैं, ठीक है? केजीएफ की जो फ्राइडे की कलेक्शन थी वो थी 46.79 करोड़, ठीक है? जवान की थी 46.23, केजीएफ की थी 46.79। मंडे केजीएफ कितना ड्रॉप हुआ, 25.57, तो KGF का ड्रॉप आया 46%। हालांकि KGF was very much accepted movie, 46% का ड्रॉप आया ना। अब ये होगी कलेक्शन की बात, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है ऑक्यूपेंसी की। ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें, फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी तो जवान की थी वो थी 42.51%, ये किसी भी वेबसाइट में जाके आप जो मैं डेटा दे रहा हूं ना कहीं से भी वेरीफाई कर लो, बिल्कुल सही है। मंडे की ऑक्यूपेंसी आई 32.85% और संडे की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 70.77%। जो फ्राइडे और मंडे में जो चेंज आया ऑक्यूपेंसी का, कितने परसेंट का आया, 8-10% का टोटल फ्राइडे और मंडे की ऑक्यूपेंसी का सिर्फ फर्क आया। ये क्या खराब है? अब आप बोलोगे कलेक्शन इतनी ड्रॉप क्यों कर गई, तो भाई मंडे की टिकट्स का रेट कम होता है फ्राइडे से, इसीलिए जो कलेक्शन है वो जो फ्राइडे को 46 थी वो 30.5 में ड्रॉप करी, बट ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% गिरी। और ये 10% भी 7% चली जाती अगर मैच ना होता, वो मैं पॉइंट अभी बीच में डाल नहीं रहा। अगर अब हम केजीएफ की बात करें, केजीएफ का जो ऑक्यूपेंसी थी फ्राइडे को वो थी अराउंड 59.5-60% एवरेज अगर निकाले हिंदी की, मंडे को वो आ गई 31.81% पे, तो 20% का उसका भी ड्रॉप, वो भी ठीक थी, वो भी ज्यादा नहीं थी, बट जवान का तो ड्रॉप ही 9% हुआ। और हाँ, मंडे से लेके ट्यूसडे तक मैं मानता हूं कि ड्रॉप थोड़ा बहुत इसका 15-20% का हुआ, वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि ड्रॉप हुआ, बट देन ट्यूसडे से वेंसडे कितना हुआ, 23-21 करोड़ पे आए, 10% का ड्रॉप, 12% का ड्रॉप। भाई किसी कहीं पे भी आप पढ़ लो गाइस, मैं सारे न्यूट्रल यूजर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं, आप कहीं पे भी पढ़ लो, वीकडे में अगर ड्रॉप ऐसे 10-10, 12-12, 14-14% का आता है ना, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, कंप्लीटली। ये लोग कंपेन चला रहे हैं और ये एक वीडियो में बता रहे हैं अपने कि संडे को तो जी 70 आ गई और मंडे को जो थी 30 आ गई,
भाई कैसे कंपैरिजन कर रहे हो? पहली बात तो वर्किंग डे को वर्किंग डे से कंपैरिजन करो, ठीक है? उसके बाद संडे और मंडे की भी अगर आपको कलेक्शन देखनी है ना, आप ऑक्यूपेंसी चेक करो, लोगों को देखो कितना परसेंट लोग जा रहे हैं, आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि यार लोग तो जा रहे हैं। आप कलेक्शन कम क्यों हुई? क्योंकि टिकट प्राइसेस कम थे। ये यार वीडियो को मैक्सिमम कमेंट और लाइक दो ताकि हर उस व्यूअर के पास पहुंचे जिसको लग रहा है कि जवान की कलेक्शन ड्रॉप हुई है। अब दूसरी चीज पे आते हैं यार, ये लोग मंडे को शोर मचा के बैठे हैं। मैं आपके सामने डेटा एक देने जा रहा हूं, मंडे का डेटा, जवान 6th नंबर पे है। अगर टॉप मंडे का निकाले ना, जवान 6th नंबर पे है विद 29.5, हिंदी की बात कर रहा हूं, लेकिन जो ऊपर की 5 मूवीज है ना, वो बाहुबली को छोड़ दो, बाकी सब हॉलीडे या पार्शल हॉलीडे में आती है, इंक्लूडिंग गदर 2। गदर 2 का इसलिए पार्शल हॉलीडे बोल रहा हूँ क्योंकि गदर 2 भी 14 अगस्त था, छुट्टी थी। बाहुबली 2 एक फर्स्ट मे को 2017 को कुछ तो कोई पार्शल हॉलीडे था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ छुट्टी थी, बट बाहुबली 2 मतलब एक्चुअल में मंडे को काफी अच्छा बिजनेस करी गई थी। तो देखा जाए तो जवान 2nd स्पॉट पे है अब तक, बीटिंग पठान ऑल्सो। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी पठान गई है और वैसे भी 2nd नंबर पे मंडे, और ये लोग कह रहे हैं कि वीकडे में कलेक्शन खराब आई है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताता हूं, 7 डेज का अगर हम पूरी कलेक्शन की बात करें ना, तो जवान ने सबको उधेड़ के रख दी है। 322 करोड़ पे हिंदी में इसकी कलेक्शन आ रही है। ये 322 तो मैं बोल रहा हूं, 327 है, कई जगह 323 आ रही, 327 आ रही, ज्यादातर जगह 327 है। 2nd नंबर पे जो कलेक्शन है वो पठान की है 317, उसके बाद गदर 2 है 281, उसके बाद KGF है। तो जवान देख लो यहां पर भी कितना बढ़िया परफॉर्म करके गई है। फर्स्ट 7 डेज की मैं बात कर रहा हूं, मतलब वेंसडे तक अगर लगा लो, अब सारी मूवीज का 7 डेज का कंपैरिजन करोगे तो भी जवान नंबर 1 पोजीशन पे है। यार जवान अगर ड्रॉप ही नहीं करेगी, जवान क्या रोज के रोज 70-80% की ऑक्यूपेंसी में चलेगी? इस हिसाब से तो जवान मूवी 10 दिन के अंदर रोज 100-100 करोड़ मार के 1000 करोड़ कर जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो अब ये जो एक मुहिम चल पड़ी है ना, वीकडे पे ड्रॉप हो रही है, वीकडे पे आप सब के सब वेट एंड वॉच करो, फ्राइडे सैटरडे संडे की ऑक्यूपेंसी तगड़ी आएगी, 80-100 करोड़ के बीच का धंधा फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड भी आएगा, और जवान 110% बहुत पठान को बीट करते हुए हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्यूपेंसी जवान की बहुत सही चल रही है। इस वीडियो के थ्रू मेरी पूरी कोशिश है कि हर व्यूअर तक पहुंचे ये वीडियो, जिनको लग रहा है कि इन लोगों की वीडियोस देख के कि अरे यार ये तो कलेक्शन ड्रॉप कर गई, कलेक्शन ड्रॉप कर गई, कलेक्शन ड्रॉप बिल्कुल नहीं करी, ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी लग रही है, बने रहना मेरे चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।